का आखिरकार तसेच आदरणीय निरे गावचे एक माजी क्रिकेटपटू संभाजी दादा मस्कर यांना विनंती करतो आपण यावं व्यासपीठावर. अतिशय खंदे समर्थक सातत्याने नेरे क्रिकेट संघासाठी राहिलेत. तर संभाजी दादा मस्कर यांना विनंती करतो दादा या व्यासपीठावर अहमदाबाद चषक 2021 या स्पर्धेमध्ये आपलं आम्ही सहर्ष स्वागत करतो. तो बिल्कुल थैंक यू सो मच हाय वैसे मेहमानों का एक बार फिर से स्वागत है शान बान शान और शौक से भरे टूर्नामेंट के माध्यम से. स्वर्गीय गणपत बुआ पाटिल स्मृति ट्रॉफी आमदा ट्रॉफी 2021 12-12 किंग रोशन पाटिल और पूरी श्री गांव देवी क्रिकेट टीम को उपरोली इनके माध्यम से इस क्रिकेट का ऋण संग्राम मैदान के अंदर चलता है. अब दूसरे दौर का ये पहला मुकाबला है. एक तरफ नारपोली क्रिकेट टीम तो दूसरी तरफ है नेरे क्रिकेट टीम. नेरे क्रिकेट टीम ने पहले मुकाबले में ओम नर्मदेश्वर किरौली क्रिकेट टीम को परास्त किया था. तो नारपोली क्रिकेट टीम ने क्या कमाल की लड़ाई लड़ी और परास्त किया था मोटे बिंगार क्रिकेट टीम को हरा कर यहाँ तक का सफर तय करा हुआ है. यहाँ से जरूर यहाँ से कोशिश होगी क्योंकि मुकाबला चार ओवर का है. इस पर दोनों टीमों को गौर करना है. नेरा क्रिकेट टीम ने टॉस जीता और पहली गेंदबाजी करने का फैसला किया. गेंदबाज अंपायर का ग्रीन सिग्नल मुकाबला यहाँ से शुरू होगा. पहली गेंद लेकर गेंदबाज सुशांत गायकर सामने होंगे. बल्लेबाज नरेंद्र मस्कर और उनका साथ निभा रहे प्रीतम मस्कर. पहली गेंद सुशांत गायकर तैयार ओवर द विकेट से अंपायर का इशारा लेट्स प्ले. ये गेंद ऑफ स्टिक के बाहर से गुजरी. यकीनन अंपायर का इशारा आया कि यह गेंद खराब है. मुकाबला सिर्फ चार ओवर का है और इस मुकाबले की बात करेंगे. नेरे क्रिकेट टीम ने पहले गेंदबाजी की थी. पहले मुकाबले में जब गेंदबाजी की बारी आई थी तब काफी स्विंग देखने को मिली थी और रोक के रखा था बल्लेबाजों को. इस मरतबा भी गेंद स्विंग तो हुई लेकिन काफी ज्यादा बाहर थी. अगली गेंद सुशांत गायकर ऑब्स्टिक के काफी ज्यादा बाहर से गुजरे. ये देखिए सैंडी पालकर एंजॉय करते हुए और सभी दर्शकों को एंटरटेन करते हुए क्योंकि वो जानते हैं यदि मुकाबले में दर्शकों को मजा नहीं आता तो कैसे जैसे तैसे ध्यान अपनी तरफ खींचने में कामयाब रहते हैं. और ऐसी शोहरत हासिल नहीं कि इतने फेमस हो चुके हैं रायगढ़ के दिग्गज अंपायरों में से एक सैंडी पालकर मैन फ्रॉम केबल. हमारे दूसरे अंपायर लोकल हमारे लोकल बॉय मंगेश फड़के. सुशांत गायकर एक बार फिर से तैयार. अभी तक एक भी लीगल डिलीवरी नहीं हुई. ओवर द विकेट से अगेन आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश नरेंद्र मस्कर जो टीम का सबसे ताकतवर हथियार है. एक रन मिलेगा. पीछे खिलाड़ी तैनात है सचिन मोरे मैदान के अंदर हम देख सकते हैं. नेरे क्रिकेट टीम की यदि बात करेंगे तो यकीनन कोशिश होती है हर एक खिलाड़ी की अच्छे सिंगल को डबल में रोकने कन्वर्ट ना करने दे. सिंगल को प्राधान्य दिया जाता है और डबल को हमेशा रोका जाता है. ये कोशिश क्योंकि तेजी के साथ जाते हैं जो विकेटों के बीचों बीच विकेटों के बीचों बीच रनिंग बिटवीन द विकेट बिग कमाल की होती है. गेंदबाज तैयार. अच्छा स्ट्रोक खिलाड़ी वहां पर तैनात है. आदित्य मस्कर गेंद को उठाया तब तक एक रन डॉट गेंद की यहां से समाप्ति होती भी. पहली दो गेंदें लगातार वाइड आई थी उसके बाद आए सिंगल उसके बाद डॉट गेंद. टीम की टोटल रन संख्या नारपोली क्रिकेट टीम की बिना किसी विकेट को 3 रन. सुशांत गायकर गेंदबाज तैयार. स्ट्राइक रेन के ऊपर प्रीतम मस्कर बड़े स्ट्रोक के लिए जाने जाते हैं. इस बार बल्ले का फेस खोला. पीछे खिलाड़ी तैनात है. कुणाल वहां पर मौजूद है. एक रन जरूर मिलेगा. एक से ज्यादा कुछ नहीं है. अच्छा फील्डिंग का स्तर दिखा है अब तक इस मुकाबले में. और बात करेंगे नरेंद्र मस्कर की और प्रीतम मस्कर की तो बड़े स्ट्रोक के लिए जाने तो जाते हैं लेकिन पहले 3 गेंदों के ऊपर खामोश रखा है. बड़े हिट लगाने नहीं दिए. हवा का रुख भी यदि देखेंगे तो दाहे हाथ के बल्लेबाज के लिए काफी मदद रहेगी मौसम से भी. अच्छा स्ट्रोक इस बार कवर को क्लियर किया. आदित्य मस्कर वहां पर मौजूद है. जब तक गेंद को रोका जाता सीमा रेखा के नजदीक तब तक 2 रन चुराने का पर्याप्त समय बल्लेबाजों के पास था और 2 रनों के मदद से पारी आगे बढ़ेगी. टीम की टोटल रन संख्या जाकर पहुंची है 6 रनों के ऊपर. पहली 4 गेंदें हमने देखी जिसमें 2 गेंदें वाइड थी. 2 सिंगल 1 डबल की मदद से 6 के ऊपर पारी पहुंची. ये 4 ओवर का मुकाबला यहां से आप पीछे हट नहीं सकते क्योंकि हर मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा मैदान के अंदर क्योंकि ये बड़ा मंच है और ऐसे स्तर के ऊपर आप गलतियां कर नहीं सकते. अगली गेंद खोद कर निकाला. क्या कमाल का ओवर घटा है अब तक सुशांत गायकर का. तालियां इस बात का सबूत है कि क्या कमाल की गेंदबाजी रही है अब तक. टीम की रन संख्या टोटल बिना किसी विकेट को है सिर्फ 6 रन स्कोर कार्ड के ऊपर है. जबरदस्त गेंदबाजी का नजारा यहां पर देखने को मिल रहा है. जिस तरीके से कहते हैं ना कि नजरे बदलो नजारे अपने आप बदल जाएंगे. नरेंद्र मस्कर इस खिलाड़ी को रोक करना होगा लेकिन अंपायर देख सकते हैं सैंडी पालकर पूरी तरीके से इंजॉय करते हुए. दिस इज अ एंटरटेनमेंट. क्रिकेट में रन ना बन रहे हो गेंदबाजी के लिए
अच्छी गेंदबाजी हो रही है, लेकिन सैंडी पालकर सभी का ध्यान अपने ऊपर आकर्षित करने में कामयाब रहे। अंतिम गेंद, कमाल का ओवर, अच्छी फील्डिंग, विकेटों के पीछे वहां से सूरज पाटिल वहां पर मौजूद थे, कोई गलती नहीं होगी। पहले ओवर की भी समाप्ति, और पहले ओवर के समाप्ति के बाद टीम की टोटल रन संख्या नारपोली क्रिकेट टीम जाकर पहुंचे 7 रन बिना किसी विकेट को। सो मच, के दिन यहाँ खेल नहीं युद्ध होगा, क्योंकि नेरा नारपोली के विरुद्ध होगा। क्या होगा इस मुकाबले का नतीजा, जो भी टीम जीतेगी तीसरे दौर में क्वालिफाई हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर पहले ओवर का लेखा जोखा यदि हम देखेंगे तो थल किसी हावी है अजीतू स्पोर्ट्स जय हनुमान नेरे क्रिकेट टीम। 7 रनों के ऊपर रोक के रखा है खिलाड़ियों को। आदित्य मस्कर तैयार, क्या ये बल्ले का किनारा था, हल्का सा मौका। परेश मस्कर विकेटों के पीछे, टीम का अनुभवी खिलाड़ी, लेकिन इस बार यहां से लपक नहीं पाए। इस गेंद को शायद मौका मिला था। आदित्य मस्कर इसी के लिए तो जाने जाते हैं। मो क्रिकेट टीम के गेंदबाज रोहित पाटे को हमने देखा था, जिन्होंने कमाल की गेंदें घुमाई थी और वेरिएशन दिखाए थे। यहां पर आदित्य मस्कर उसी की तलाश करते हुए स्विंग ढूंढ रहे अपने आप को। गेंदबाज तैयार, इस बार गलती करी परेश ने, लेकिन सूरज की पैनी निगाह है, मैदान के अंदर मौजूद थी। बड़ा विकेट मैदान के बाहर लौटेगा। प्रीतम मस्कर जिन्होंने रन बनाया केवल सिंगल, 4 गेंदों में 1 रन की पारी खेलकर मैदान के बाहर। थैंक यू सो मच। जो प्रेशर बिल्ड किया था पहले ओवर में सुशांत गायकर ने, केवल 7 रन दिए थे, उस प्रेशर को झेल नहीं पाए। वो दबाव था, क्योंकि जिस तरीके से कहते हैं ना कि कोई नहीं है टक्कर में, सब पड़े हैं चक्कर में। इतनी अच्छी गेंदबाजी हो रही है आदित्य मस्कर की। कल्पेश मस्कर ने बल्लेबाज, जिन्होंने पिछले मुकाबले में 12 गेंदों में 31 रनों की शानदार पारी खेली थी, 4 छक्कों से अपने पारी को संभाला था, उसी की तलाश रहेगी नरेंद्र मस्कर उनके साथ खड़े। यहाँ पर गेंदबाज आदित्य, अच्छा स्ट्रोक, पिछले मुकाबले में जहां से छोड़ा था वहीं से शुरुआत करी है, और गेंद सीमा पर, दैट इज अ बिग 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 हिट। देवदास की तरह जान मत दो यारो, मेरी बात मानो, प्यार को लात मारो, ना चंद्रमुखी ना पारो, और रोज रात को एक स्ट्रॉन्ग बियर मारो और आराम से जिंदगी गुजारो। थैंक यू सो मच। टीम की टोटल रन संख्या 13 रन हम देख सकते हैं। जबरदस्त बल्लेबाजी, गेंदबाज तैयार, लोअर फुल टॉस थी, पीछे खिलाड़ी तैनात है सचिन मोरे, अपने टीम के लिए 3 रन बचाए यहां पर। ये होती है फील्ड में कमिटमेंट, क्योंकि हर एक टीम में अच्छा बल्लेबाज होता है, अच्छा गेंदबाज होता है। कभी बल्लेबाज रन बनाते हैं नहीं बनाते हैं, कभी गेंदबाज विकटे लेते नहीं लेते हैं, लेकिन एक अच्छा फील्डर आपके लिए हमेशा से रन बचाता है, और यही कोशिश करी मैदान के अंदर। और आदित्य मस्कर को देख सकते हैं, जिन्होंने अच्छी गेंदबाजी की, एक छक्का जरूर खाया, लेकिन खिलाड़ियों का साथ भी मिल रहा है। सचिन मोरे फील्ड में रन बचाते हुए टीम की टोटल रन संख्या जाकर पहुंची है 14 रनों के ऊपर। गेंदबाज तैयार, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से आदित्य मस्कर, ये गेंद टप्पा गिरने के बाद बाहर की तरफ गेंद निकली, नतीजा हमारे सामने, डॉट गेंद की यहां से समाप्ति होती भी। धोखेबाजी की जा रही है, जिस तरीके से कहते हैं ना टपोरी की भाषा में करोड़ को कहते हैं खोका, और लड़की जब प्यार में मुकर जाती है उसको कहते हैं धोखा। और जिस तरीके से धोखा दे रहे आदित्य मस्कर, सामने गेंदबाजी कर रहे और बाहर की तरफ निकाल रहे, यहां से हम देख सकते हैं डॉट गेंद की समाप्ति होती भी। 5 गेंदे गुजर चुके, अंतिम गेंद लेकर आएंगे, सामने होंगे नरेंद्र मस्कर। पिछली 3 गेंदे नरेंद्र ने डॉट खेली है, इससे दबाव बढ़ता था।
आखिरकार अपने हाथ खोले, सीधा गेंदबाज के सर के ऊपर से खेला, बाली वहां पर मौजूद थे, रोक नहीं पाएंगे जिसकी तलाश थी नरेंद्र मस्कर को। कब से खामोश बैठे थे, दो ओवर की भी समाप्ति और 10 के औसत से रन बने, पहले ओवर में 7, दूसरे में 13, टीम की टोटल रन संख्या 20, 20 रन। प्रेम करा तुम्हें, चला क्वालिटी भाई, क्वालिटी भंगार भंगार प्रेम नहीं करा। थैंक यू सो मच, प्यार में दीवानों के लिए, मोहब्बत के मारों के लिए धुन थी। आकाश पाटिल हमारे काफी खुश है, जिस तरीके से कहते हैं ना कि कुछ तो बात होगी मोहब्बत में, वरना एक लाश के लिए कोई ताजमहल नहीं बनाता। इस तरीके से कुछ तो बात है इस खिलाड़ी में, वरना इस खिलाड़ी के लिए कोई तालियां नहीं बजाता, क्योंकि पिछली गेंद के ऊपर जो छक्का आया था उससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उससे आत्मविश्वास बढ़ेगा। दो ओवर की समाप्ति होती भी, टीम की टोटल रन संख्या 20 रन। गेंदबाज इस मर्तबा सचिन मोरे सामने होंगे, स्ट्राइकर एंड के ऊपर कल्पेश मस्कर। ये गेंद हमने देखी, ऑब्स्टिक के काफी ज्यादा बाहर से गुजरने वाली गेंद, सैंडी भाई पालकर के वाले हमें जानकारी देते हुए कि ये गेंद खराब है, अतिरिक्त रन में बढ़ोतरी होती भी, टीम की टोटल रन संख्या जाकर पहुंची है 21, 21 रनों के ऊपर पारी यहां से पहुंच चुके सचिन मोरे। इस खिलाड़ी के ऊपर भरोसा जरूर किया, क्या उस भरोसे के काबिल गेंदबाजी कर पाएंगे। कल्पेश है सामने, कल्पेश के लिए गेंद, नीचे होंगे किरण पाटिल, गलती नहीं करेंगे, एक और सफलता। बिग फिश जो पिछले मुकाबले का हीरो था, मैदान के अंदर हीरो बनने की तलाश में मैदान के बाहर लौटेंगे, सफलता सचिन मोरे के नाम। जगाला तुमचं काही घेणं नाही, आपला खिस्सा गरम आहे तोपर्यंत या जगातल्या सगळ्या गोष्टी सत्य आहेत। ज्या दिवशी आपला खिस्सा रिकामा झाला, जग संपलं। थैंक यू सो मच, बिल्कुल सही धुन थी। मनी है तो हनी है दोस्तों, क्योंकि जब तक आपके पास पैसा है पूरी दुनिया आपके साथ है। क्योंकि जिस तरीके से हम हमेशा कहते हैं कि टूट जाता है गरीबी में वो रिश्ता जो सबसे खास होता है, और हजारों यार बन जाते हैं दुनिया में जब पैसा आदमी के पास होता है। पैसा है तो सब कुछ है, युवराज सिंह की एक एड आया करती थी दोस्तों, जब तक बल्ला चल रहा है तब तक ठाटे नहीं तो वाटे। ये जिंदगी का दस्तूर है, गेंद हवा में काफी देर तक लहराई, कुणाल गायकर गेंद के नीचे, गलती नहीं होगी, और एक और सफलता नरेंद्र मस्कर दिस टाइम बैक टू द पवेलियन। हम चाहते हैं कि तुम्हारे बदन पर तुम्हारा सर सलामत रहे, नसीहत है कि तुम अपनी गर्दन को जरा मुलायम रखो। शीशे की उम्र प्याले की आखिर बिसात क्या, सो मच। ये तो होता रहता है दोस्तों दुनिया में, किसी का दिल टूटता है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बारे में चर्चा जब भी समय मिलेगा हम जरूर करेंगे। टीम की टोटल रन संख्या 21, 21 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, ऑन हैट्रिक होंगे गेंदबाज सचिन मोरे। अच्छा स्ट्रोक, पीछे खिलाड़ी तैनात है, एक रन तो जरूर मिलेगा, दूसरे की कोशिश और दो रन का यहां से इजाफा होता। प्रथमेश फड़के
वहां पर जरूर मौजूद थे, कैच के लिए जाना जरूरी है यदि बात करेंगे। लेकिन किरण पाटिल जो पीछे दौड़ रहे थे थोड़े से नाराज है वाले अपने खिलाड़ियों से, क्योंकि ऐसे मौके आपको बार बार नहीं मिलते क्रिकेट में, हर एक रन को बचाना जरूरी है, दो रन मिलेंगे इस गेंद के ऊपर। दूसरी तरफ बात करेंगे जनमन नारपोली क्रिकेट टीम की, तो कोशिश होगी एक दो बड़े हिट इस ओवर में ही लग जाए, लेकिन सचिन मोरे के इरादे कुछ अलग है। स्ट्राइकर इनके ऊपर बल्लेबाज दिनेश पाटिल जो चौथे नंबर के लिए उतरे, लेकिन इस बार गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं हुआ और डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई। मुकाबला सिर्फ चार ओवर का है, इस पर भी आपको गौर करना है दोस्तों। अंतिम दो गेंदे इस ओवर के अभी भी बाकी। सचिन मोरे टीम की रन संख्या 23। लोअर फुल टॉस थी, गेंद और बल्ले के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, नतीजा हमारे सामने था। यहां से बल्लेबाज दिनेश पाटिल के पारी का अंत होता हुआ। बाबू 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 अरे सचिन काय करत हो तुम ना बबल्या, ओ मनी माय ओ बबल्याई कसा केसा वर भुगे, ओ मनी माय ओ बबल्याई कसा केसा वर भुगे, भुगल्या भुगे केसा वर भुगे, भुगल्या भुगे केसा वर भुगे, केसा वर भुगे। थैंक यू सो मच। टीम की टोटल रन संख्या 23, 23 रन। सचिन मोरी इस ओवर की अंतिम गेंद लेकर तैयार। सामने होंगे बल्लेबाज ऑन स्ट्राइक नितेश पाटिल, इन एट नंबर 6, छठे नंबर के खिलाड़ी। यह भी कमाल की गेंद थी, खोद कर निकाला, पीछे आदित्य मस्कर खड़े हैं, अच्छी तरीके से गेंद को रोका, सिंगल से ज्यादा कुछ नहीं है। कमाल का ओवर यहां से सचिन मोरे का घटता बा। पहले ओवर में 7 रन आए थे, दूसरे में आए थे 13, और इस ओवर में रन आए केवल 4 रन। टीम की टोटल रन संख्या 24, 24 रन यहां से हम देख सकते हैं। जबरदस्त गेंदबाजी। तो 3 ओवर की यहां से समाप्ति होती हुई टीम की रन संख्या 24। नया बल्लेबाज, नए गेंदबाज मैदान के अंदर किरण पाटिल। यह भी यॉर्कर गिरी थी, खिलाड़ी वहां पर तैनात, आसान सा कैच, कैचिंग प्रैक्टिस मानो कराई जा रही है और सफलता यहां पर किरण पाटिल को। आपण या ठिकाणी पाहू शकाल आमचे कमिटी मेंबर्स सध्या, ते मला तर वाटतं 26 जानेवारीला कोपरुली प्रीमियर लीग जी होणार आहे त्याच्यामध्ये व्यस्त आहेत। तिथे बोली लागले खेळाडूंचे, एकीकडे रायगड प्रीमियर लीगचे ऑप्शन झाले आणि इथे पैसे मला तर वाटतं प्रत्येक कॅप्टनचे नक्कीच जमा झाले आहेत। आपल्याला इथे खेळाडू पाहू शकाल, कोपरुली प्रीमियर लीग आपल्या भेटीसाठी लवकरच येईल। ओव्हर टू कॉमेंट्री बॉक्स। थँक्यू सो मच प्रवीण। उठाने का प्रयास, गेंद काफी देर तक हवा में, लॉन्ग वे इन द एयर, यहां से हम देख सकते हैं निश्चित तौर पर बल्लेबाज के पारी का अंत होता है। एक और सफलता किरण पाटिल, पहली गेंद के ऊपर सफलता मिली, दूसरी गेंद के ऊपर भी सफलता, एक और विकटों का पतन, यहां से विकटों का सिलसिला जा रही है, एक और यहां से विकेट मैदान के बाहर। टीम की टोटल रन संख्या 24। DJ.
थैंक यू सो मच। ऑन हैट्रिक होंगे एक बार फिर से गेंदबाज किरण पाटिल की यदि बात करेंगे, चार गेंदों का खेल बाकी, चार गेंदों में दो बड़े हिट चाहिए नारपोली क्रिकेट टीम को। किस्मत का साथ सुशांत रोक नहीं पाएंगे, गेंद चाय की सीमा पार, मिलेगा चौका। थैंक यू सो मच। इस चौके की जरूरत थी जनमन नारपोली क्रिकेट टीम को। टीम की टोटल रन संख्या यहां से 28 रन, तीन गेंदों का आना अभी भी बाकी। किरण पाटिल ये स्ट्रोक पीछे खिलाड़ी तैनात जरूर है, दूसरे की तलाश जरूर रहेगी, लेकिन इतनी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट नहीं थी। ऊपर से आदित्य मस्कर का तेज तरार थ्रो भी आया, सिंगल से ज्यादा कुछ नहीं। मुकाबला सिर्फ चार ओवर का है और यहाँ पर सिर्फ दो गेंदों का आना बाकी। 29 रनों के ऊपर रुक से गई है पारी, क्योंकि रनों का यहाँ पर अकाल पड़ता हुआ सूखा चलता हुआ रनों का। आओ देखा ना था, खिलाड़ी सिर्फ बल्ला घुमा रहे, गेंद के पिच तक पहुंचना जरूरी होता है। और जहां से शुरुआत अच्छी नहीं रही थी, सुशांत गायकर के ओवर में केवल 7 रन दिए थे। सुशांत गायकर की रणनीति साफ थी कि शरीर से दूर गेंदबाजी करो, 3 वाइड भी आई थी लेकिन उसके बावजूद सिर्फ 7 रन खर्च करे थे। यह अच्छा स्ट्रोक, क्या मोमेंटम बना दिया है, लेकिन गेंद हवा में, रोहन पाटिल पीछे मौजूद थे, नीचे आएंगे यहाँ पर एक और मिलेगी सफलता। तो 4 ओवर के हुई समाप्ति, यहां से पहला सत्र हुआ समाप्त। टीम की रन संख्या 29। अब जीत की बात करेंगे नेरे क्रिकेट टीम को, जीत 11 चनमन, नेरे क्रिकेट टीम को 24 गेंद है और 30 रन की जरूरत। आगे की कहानी एक बार फिर से प्रवीण गायकर की जुबानी, तब तक के लिए जाएंगे डीजे। तर निश्चितच ज्यांचं आमच्या मंचावरती आगमन झालंय, स्वर्गीय गणपतबुवा पाटील यांच्या स्मरणार्थ या गावदेवी क्रिकेट संघ कोपरुळ यांच्यातर्फे आयोजित आमदार चषकामध्ये ज्यांनी आपली अमूल्य उपस्थिती या स्पर्धेला दिली, ते नेरे गावचे एक प्रतिष्ठित व्यक्तिमत्व आणि एक नेरे गावातील जबरदस्त माजी खेळाडू आणि नेरे संघाचे एक निश्चितच जबरदस्त पाठीराखे म्हणून ज्यांची ओळख आहे, आणि नेरे संघाचे प्रशिक्षक म्हणून सुद्धा त्यांचे ओळख आहे। ते आमचे संभाजी दादा मस्कर नेरे त्यांचं इथं आगमन झाले आणि त्यांना सन्मानित करण्यासाठी मी विनंती करेन नितीन पाटील यांच्या शुभ हस्ते संभाजी दादा मस्कर यांचा सुद्धा मान सन्मान आमच्या मंचावरती केला जातोय। प्रत्येक पाहुण्यांचा आदर सत्कार, प्रत्येक पाहुण्यांचा मान सन्मान इथे केला जातोय आणि आमच्या अतिथी मान्यवर आदरणीय संभाजी दादा मस्कर नेरे, नेरे संघाचे कोच म्हणून त्यांची ओळख आहे आणि त्यांचं इथे स्वागत या स्पर्धेच्या माध्यमातून आलेले या सर्व पाहुण्यांचे आम्ही पुन्हा एकदा सहर्ष स्वागत करतोय। त्यांनी सुद्धा आपला अमूल्य वेळ या स्पर्धेसाठी खर्च केला, त्यांचं सुद्धा इथे आम्ही सहर्ष स्वागत करतोय। थँक्यू मनोहर। तर निश्चितच आणखीन एक मान्यवर आमच्या मंचावरती उपस्थित आहेत, आदरणीय हितेश जेमसे साहेब, त्यांचे स्वागत करण्यासाठी मी विनंती करेन पप्पू पाडवी यांच्या शुभ हस्ते हितेश जेमसे यांचं सुद्धा इथे स्वागत केलं जात आहे। त्यांनी सुद्धा आपली अमूल्य उपस्थिती या स्पर्धेसाठी दिली। क्रिकेटचं असणारं प्रचंड वेड आणि क्रिकेटवरती असणारे प्रचंड प्रेम या सर्व व्यक्तिमत्वांना इथे मंचापर्यंत घेऊन आलेत, या मैदानावरती घेऊन आलेत, तर त्यांचं आम्ही इथे सहर्ष स्वागत करतोय या स्पर्धेच्या माध्यमातून। थँक्यू सो मच फॉर कमिंग। जाऊया आपण पुन्हा एकदा मैदानाकडे जिथे सामना सुरू आहे, नेरे विरुद्ध नारपोली, 24 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 30 धावांची गरज। ओव्हर टू प्रवीण गायकर। थँक्यू मनोहर। फिर से एक बार चलते मैदान की तरफ, सेकंड राउंड का यह पहला मैच है और ऐसे हालातों में बात करेंगे तो बिल्कुल यहां से जीतेंगे तो सीधा लकी ड्रॉ में जाएंगे। दो मुकाबले जीतने के बाद
और इसके बाद मैच खेला जाएगा घोट 11 टीम के कैप्टन और विजय हनुमान 11 मोर टीम के कप्तान। इन दोनों कप्तानों से अनुरोध है कि आप तुरंत टॉस के लिए संपर्क करें। मोर टीम के कैप्टन और घोट टीम के कैप्टन तुरंत टॉस के लिए संपर्क करें। तो टारगेट है 24 गेंदों में सिर्फ 30 रनों का और इस टारगेट का लक्ष्य किस तरीके से चेस करेगी या आने वाला समय जरूर हमें बता जाएगा। पिछले मैच में ये प्रवीण चोरगे जो नेरे टीम के बाहुबली है, इनका खाता नहीं खुला था, आउट होकर जल्दी लौटे थे पवन की तरफ, लेकिन आदित्य मस्कर ने जो बल्लेबाजी की थी वो काफी तारीफ के काबिल बल्लेबाजी। हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज बिल्कुल संकेत खुंडे जो इस मैच को लाइव एंजॉय करते हुए देखना होगा। 24 गेंदों में सिर्फ 23 रनों का टारगेट है, एक आसान सा लक्ष्य जरूर है, लेकिन इस लक्ष्य के लिए कितनी और तक बचा पाती है। गेंदबाज राइट आर्म ओवर द विकेट से नारपुरी टीम के साथ तैयार। पहली गेंद आसमान दिखाया, ये पहचान है प्रवीण चोरगे की और अंपायर सैंडी पालकर का इशारा, विकेट इट्स आउट ऑफ द पार्क 6। थैंक यू डीजे, क्या बैटिंग, जबरदस्त बैटिंग प्रवीण चोरगे की। पहली गेंद के ऊपर प्रवीण ने आसमान देखा दिनेश पाटिल को और गेंद को धाक दिया सीमा रेखा बाउंड लाइन के बाहर, दंदन करती हुई 6 रनों के लिए। यहां स्लॉग स्वीप करने की कोशिश, यहां फाइनली खुला है, यहां गेंद जाएगी सीमा पर, अंपायर का इशारा 4 रन। क्या जबरदस्त ट्रेमेंडस बैटिंग का परफॉर्मेंस प्रवीण चोरगे की ओर से, 4 रन। धन्यवाद डीजे, दो गेंदों के ऊपर दो बड़े प्रहार आने के बाद जय हनुमान। नारपुरी टीम इस वक्त तक बहुत ही मुश्किल स्थिति में। हमारे साथ अर्णव, आप देख सकते हैं जिस तरीके से पूरे दिन इस मैच को एंजॉय करते हुए हमारे रोशन शेटपाड़ी इनके सुपुत्र है और जिनके नाम से आप बारह बारह परिचित है, वो अर्णव आपके सामने। इस बार फ्लाइटेड गेंद जाती हुई काऊ कॉर्नर सीमा रेखा बाउंड लाइन के बाहर, प्रवीण चोरगे के बल्ले से निकला हुआ और एक बेहतरीन छक्का। तो गेंदबाज इस बार इनसाइड एज लगा था, थोड़ी सी शॉर्ट पिच लाइन की गेंद, लेकिन ऑफ साइड में मारने का इरादा था बल्लेबाज का, लेकिन डॉट बॉल की यहां पर हुई समाप्ति और कुल मिलाकर टीम की रन संख्या पहुंचती हुई 16 रन। 30 रनों का टारगेट है, पहले ही पावर प्ले में रन ठोके प्रवीण चोरगे ने 16, अब थोड़ा सा दबाव बनाती हुई इनसाइड एज यहां पर, जी हां लगा है, बहुत जोर से आवाज आई और गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। आखिरकार प्रवीण चोरगे जैसा तूफान थमता हुआ मैदान के बाहर अंदर से। धन्यवाद डीजे, चलिए हम गुजारिश करेंगे घोट टीम के कैप्टन आइए टॉस के लिए और मो टीम के कैप्टन यहां पर मौजूद है, आखिरी पुकार होगी आपके लिए। यदि आपके कैप्टन यहां पर आए नहीं गए तो निश्चित तौर पर आपको यहां से हमारे आयोजक करता एक और दुविधा में डाल सकते, तो बात ध्यान में लीजिए। रोशन सालों के आइए टॉस के लिए, सुबह के सत्र में शानदार क्रिकेट आपने खेली और बेहतरीन मुकाबला जीता, लेकिन इस बार बात करेंगे प्रवीण चोरगे जो लगातार बड़े हिट खेल रहे थे और आखिरकार प्रवीण चोरगे को भी चलता बना दिया, पहला छटका मिलता हुआ जीतू स्मृति 11 नेरे टीम को। राउंड द विकेट से गेंदबाज तैयार, शरीर से दूर फेंकने की कोशिश, यहां से सूरज पाटिल आए नए बल्लेबाज, 3 गेंदों के ऊपर मार करने के बाद 3 गेंदों के ऊपर जबरदस्त कमबैक किया और इसी के साथ ओवर नंबर पहला हुआ कंप्लीट। पहले पावर प्ले का खेल समाप्त होने के बाद टीम की रन संख्या पहुंचती हुई 16 रन, आने वाली 18 गेंदें बची है 14 की दूरी। चलते हैं टॉस बॉक्स में मनोहर पाटिल के पास, घोट विपक्ष विजय हनुमान 11 मोह के बीच सिक्का उछला जाएगा। तर निश्चितच इथे नाणेफेक केली जाईल, दोन संघ नाईक
आमच्या समय जॉइन झालेत महू विरुद्ध घोट दुसऱ्या फेरीतील दुसरा सामना आणि नाणपे करण्यासाठी मी विनंती करेन आमच्या प्रदीप पाटील यांच्या शुभ हस्ते इथे नाणेफेक केली जाईल. चार षटकांचा सामना असणार आहे. तर नाणेफेक इथे जिंकले घोट संघानं डिसिजन क्षेत्ररक्षण. थँक्यू सो मच. दोन्ही संघांना खूप साऱ्या शुभेच्छा असणार आहेत. नाणेफेक जिंकले घोट संघानं दे डिसाइडेड टू बोल फर्स्ट. चार षटकांचा सामना असणार आहे. तो जाऊया पुनः एकदा मैदानाकडे. ओवर टू प्रवीण गायकर. थैंक यू. 18 बॉल में चाहिए जीतने के लिए 14 रनों की जरूरत. लेफ्ट हैंड बॉलर है गेंदबाजी के लिए भावेश मोरे ने काफी इंप्रेसिव किया है. काफी जबरदस्त गेंदबाजी पहले मुकाबले में की थी. हालांकि आखिरी ओवर में इन्हें 20 रन की मार बैट्समैन देवेंद्र पाटिल ने जरूर दी थी, लेकिन उससे पहला पावर प्ले का ओवर कितना शानदार तरीके से फेंका था. सिर्फ 5 रन दिए थे उस गेंदबाज ने और 2 विकेट लिए थे. और यहाँ भी वो अपना परिचय देते हुए 18 बॉल में 14 की दूरी है जहां से पहले गेंद के ऊपर नंबर डॉट आता हुआ. ओह क्या डिलीवरी है. बिल्कुल गुड लाइन स्पॉट पर पिक किया था इस गेंद को. इस बार थोड़ी सी शरारत थी इस गेंद के ऊपर. डॉट बॉल की बिल्कुल समाप्ति होती हुई. पहले ओवर में अगर गेंदबाज ने टाइट गेंदबाजी की होती तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये मैच में बन सकती थी. जान मान 11 नारपोली टीम. अब 16 गेंदें बची है 14 रनों की जरूरत. देखिए कितनी अच्छी गेंदबाजी हो रही है. बहुत ही तारीफ के काबिल गेंदबाजी क्योंकि मार मिली थी पहले गेंदबाज को और ऐसे हालत में प्रवीण चोरगे का विकेट गंवाने के बावजूद थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट कर रही है. संकेत सामने लेफ्ट हैंड बैट्समैन है फिर भी डर नहीं रही है. छोटा युवा खिलाड़ी क्या जबरदस्त क्रिकेट खेलता हुआ निडर होकर मैदान के ऊपर खेल रहा है. और ऐसे हालातों में बात करेंगे तो 3 गेंदे बैक टू बैक डॉट निकालने में कामयाब हो चुके हैं. यहाँ छोटी गेंद थी बैकफुट पॉइंट के ऊपर से खेला हुआ स्ट्रोक. अब तकनीक का इस्तेमाल गेंद सीमा पर 4 रन. थैंक यू डीजे. 4 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर पहुंचता हुआ 20 रनों के ऊपर. क्या जबरदस्त बैटिंग और बॉलिंग का घमासान मैदान के अंदर नजर आता हुआ. यार करने की कोशिश इस बार लैंड किया इस गेंद को. इट्स आउट ऑफ द पार्क. 6 रन. थैंक यू डीजे. 4 रनों की अभी भी सिर्फ जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए. 3 गेंदे डॉट फेंकी उसके बाद गेंद बल्लेबाज ने गेंदबाज को सही ढंग से पकड़ा और इसी के साथ किनारा लगा बल्ले का और बल्लेबाज के पारी का अंत होता हुआ. आदित्य मस्कर बैक टू द पवेलियन. अब तक टीम के लिए टोटल योगदान दिया इस बल्लेबाज ने 110 रनों का और आखिरकार चलते बने पवेलियन की तरफ. पहला बड़ा दूसरा बड़ा झटका मिलता हुआ जीतू स्मृति 11 मेरे टीम को. अब बची भी गेंदे है टोटल 12 और जीतने के लिए मात्र रन चाहिए सिर्फ 4. सुनो मेरी जाना दिल परवाना चाहे जल जाना आग में तेरी. थैंक यू डीजे. तो बिल्कुल सूरज के लिए सुवर्ण मौका है. अगर सूरज छक्का दागते हैं तो विनोद पाटे मोहो इनके ओर से 1,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा. तो देखना होगा. संडी पालकर भी यहाँ तालियां बजा रहे. अब नरेंद्र मस्कर गेंदबाजी के लिए आ चुके हैं. 12 गेंदों में 6 रनों की जरूरत. पॉइंट नहीं किधर भी छक्का मारो चारों ओर 4 रन चाहिए मेरे ख्याल से. लगता है 4,000 का इनाम है. तो क्या नितिन पाटिल की ओर से 3,000 और विनोद पाटिल इनके ओर से 2,000. 5,000 रुपए का इनाम सूरज पाटिल को. नहीं नहीं पॉइंट भी नहीं किधर भी छक्का मारो किधर भी छक्का मारेंगे तो 5,000 रुपए का इनाम है आज सूरज पाटिल को दिया जाएगा. गेंदबाज तैयार. ये देखिए शायद पॉइंट को मारने के लिए चेन फेंक रही क्या. व्हाइट बॉल का करार अंपायर की ओर से और व्हाइट के साथ बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 27 रनों के ऊपर. 3 रनों की अभी भी जरूरत है और पिछले 2 साल का इतिहास है कि नेरी टीम इस मैदान के ऊपर परास्त नहीं हुई है. सुपर 4 में हमेशा क्वालिफाई हुई है और आज भी वो रास्ता इनका साफ नजर आता हुआ. इस बार क्या होगा इस गेंद के ऊपर. ऐसा लग रहा था
ये जाएगी सीमा पार, लेकिन फील्डर मिड विकेट के रीजन में और आखिरकार सूरज के पारी का खात्मा और एक विकेट, तीसरा विकेट बैक टू द पवेलियन। थैंक यू। तो क्या उमेश के लिए? नहीं नहीं, इस बार रुके, डर गए शायद। तीन रनों की जरूरत है। अच्छी गेंद, ट्राव की ऑफ साइड में शॉट, एक्स्ट्रा कवर के रीजन में फील्डर मौजूद है। तब तक एक रन तेजी के साथ पूरा, स्कोर इज लेवल, मात्र एक रनों की अभी भी जरूरत है। बढ़िया क्रिकेट के लिए आज नारपोली टीम ने, उसके साथ साथ अच्छी क्रिकेट के लिए आज नेरी टीम ने, लेकिन एक को हारना है, एक को मैदान में बने रहना है। स्कोर इज लेवल 29, लॉस ऑफ 3 विकेट। जीतने के लिए अभी भी सिर्फ मात्र एक रनों की जरूरत है। तो गेंदबाजी के मार्ग पर तैयार होते हुए स्लोवर गेंद थी, यहां पर देखना होगा अंपायर का कॉल, व्हाइट बॉल, और इसी के साथ तीसरे राउंड में क्वालिफाई हो चुकी है। इस वक्त जीतू स्मृति 11 नेरे टीम अब लकी ड्रॉ का इंतजार करेगी, यानी कि कौन सी टीम इनके सामने होगी। तो देखना होगा, लाइनअप करके नारपोली टीम को आना है और लाइनअप करके ही मैदान में जाना है।